यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की देन है जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके बीच खड़े हैं, देश में खड़े हैं, प्रदेश में खड़े हैं, नौकरियों में पहुंचे हैं, आईएएस आईपीएस अफसर बने हैं, मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, बाबा साहब के आरक्षण की देन है। तो सम्मानित साथियों, उस आरक्षण की बचाए रखने के लिए आपको मजबूत होकर देशव्यापी संघर्ष करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस बात को याद करना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, क्योंकि हिंदू धर्म ने ही हमें तोड़ भड़ो कर छुआछूत बनाकर, नीच बनाकर, ऊंच बनाकर रखा हुआ है। सम्मानित साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कि उस बात को वजन देते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति के आर नारायणन ने ये बात कही थी कि आज हमारे साथ नीचे से ऊपर तक कहीं भी पूर्व से पश्चिम तक न्याय नहीं है। न्याय क्यों नहीं है? क्योंकि न्याय पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षण नहीं है, क्योंकि देश की न्यायपालिका क्या नारायणन ने कहा था कि देश की न्यायपालिका जुडिशियली और कैसीनो नाउडेज आजकल जुआ घर बनी हुई है, जुए का अड्डा बनी हुई है। न्यायपालिका उस जिले में हो, प्रदेश में हाई कोर्ट हो, देश में सुप्रीम कोर्ट हो, वो जुआ का अड्डा बनी हुई है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा देर तक खेल सकता है और जीत सकता है। तो सम्मानित साथियों, जब देश का राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति, आईएएस अफसर रहने वाला व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति बना, उसके विचार हैं कि देश का न्यायपालिका जुआ घर बन गई, जुए का अड्डा बन गई, तो आपको न्याय मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो न्याय चाहिए तो न्याय के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, वरना ये चंद लोग, ये 3% ब्राह्मण इस देश को बर्बाद करके रखेंगे। उन्होंने जैसे मोदी जैसे व्यक्ति को किस तरह अपने कब्जे में किया, चाय बेचने वाला बताकर, प्रधानमंत्री बनाकर, ये कहते हुए सब सब एक एक बात उसकी ऐसी है कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आ जाएगा, आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दो। उस पैसे को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा। न्याय कहते हुए सबके साथ अन्याय किया जा रहा है। सभी उन सरकारी पदों पर जहां आरक्षण था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया कि आप रिजर्वेशन के माध्यम से भी वहां नहीं जा सकते। तो सम्मानित साथियों, जब राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति आईएएस अफसर के माध्यम से होता हुआ राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि न्यायपालिका जुआ घर बनी हुई है, जुए का अड्डा बनी हुई है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। जब तक आपका व्यक्ति वहां ना पहुंचे, तो आपको वहां तक पहुंचाना है तो आरक्षण के लिए बड़ा संघर्ष करना होगा, और बड़े संघर्ष के लिए आरपी सिंह के इस माध्यम से ये जो संगठन पूरे राष्ट्रव्यापी संघर्ष कर रहा है, इसमें संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा।
मेरे साथ एक जोर से एक नारा लगाइए, टाइम कम है, आप और भी आपके बीच बोलेंगे, मेरे साथ एक जोर से एक नारा लगाइए। Thank you.